दोस्तों हमने देखा है कि एक छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन इतने हजारों टन का जहाज पानी में नहीं डूबता। लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम कर रहा होता है। जब हम लोहे की वस्तु पानी में डालते हैं तो वस्तु द्वारा हटाया गया पानी का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है, और हटाए गए पानी की ताकत उसे ऊपर की ओर उछालती है और वह आयतन तैरता रहता है। इसी वजह से हम जब लोहे का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो उसके द्वारा हटाए गए पानी के ऊपर से लगने वाली शक्ति का छोटा आकार मिलता है, इसलिए लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। लेकिन अगर लोहे के टुकड़े को एक प्लेट के आकार का बना दिया जाए तो पानी के नीचे से लगने वाली शक्ति का बड़ा आकार मिल जाता है, जिससे वह तैरता रहता है। यही वजह है कि लोहे का छोटा टुकड़ा पानी में डूब जाता है और बड़े बड़े जहाज तैरते रहते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।